उस षड्यंत्र के तहत मारा गया है, प्लानिंग सहित मारा गया है, प्री प्लानिंग के साथ जो है उसके साथ घटना घटी है। नहीं, उसके पहले जो है हमारी जो है अनुज वधु जो है अमन की औरत जो है कई बार एप्लीकेशन लगा चुकी है कि उनको जान को खतरा है, कई बार उनको जहर देने की कोशिश की है, ठीक, उससे वो सतर्क रहते थे, लेकिन उनको ये एहसास नहीं था कि हम पिस्टल से मार दिए जाएंगे, क्योंकि जेल में पिस्टल जाना बहुत बड़ी चीज है। मामला जेल के अंदर का है तो उसमें क्या बताएं कि कौन कौन लोग मिले हैं, लेकिन बिना षड्यंत्र बिना मिले इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। वो तो जान ही रहे, गेट पे स्कैनर लगा हुआ है, उसके बाद चेकिंग होती है, कैसे असलाह अंदर जाता है, ना प्लान और बिना प्लानिंग के दूर अंदर जाएगा नहीं। राज्य सरकार से कुछ मांग करेंगे? अब राज्य सरकार से क्या मांग करें, जो था वो चला गया, अब वो तो लौट के आएगा नहीं, लेकिन हम यही मांग करेंगे कि ऐसी घटनाएं जो है भविष्य में ना घटे। इसमें बारे में हम क्या बता सकते हैं, जेल के अंदर बाहर वाले जेल प्रशासन व्यवस्था अपनी देखेंगे कैसे घटना घटवा दी है, एक भी अपराध उसका सिद्ध भी नहीं हुआ है, बताए तरफ 20-25 से भी परमा उसको उठाएंगे आपको सिद्ध नहीं हुआ, 10-12 में बरी भी हो गया जी, लापरवाही की तो घटना कैसे घटना, लापरवाही की तभी तो घटना घटी है।